Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com. इस वीडियो में आप फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और यह लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया है। रॉबर्ट विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था और आज की तारीख में ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस सिस्टम के हिसाब से लिविंग वर्ल्ड को जो पांच किंगडम में बांटा गया है उनके नाम हैं मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमलिया। उसके पहले लिविंग बीइंग्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जिन ऑर्गेनिज्म्स के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं उनको प्रोकैरियोट कहते हैं, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होते हैं उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको किंगडम मोनेरा में रखा जाता है जिसमें सेल वॉल हो सकता है, सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो या तो केमोसिंथेसिस करते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मींस कि सनलाइट को यूटिलाइज करके फूड बनाते हैं, और केमोसिंथेसिस का मतलब हुआ कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को प्रोसेस करके फूड बनाते हैं। ऑल द बैक्टीरिया दे कम अंडर मोनेरा एंड बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, राइट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी टू इवन द इनहॉस्पिटेबल हैबिटेट्स लाइक सल्फर स्प्रिंग या वोल्केनो का क्रेटर होता है, वहां भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को शेप के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाता है। जो जिनका स्फेरिकल शेप होता है उन्हें कॉक्काई कहते हैं, जिनका कैप्सूल जैसा शेप होता है उन्हें बैसिलाई कहते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं, और जो स्प्रिंग जैसे होते हैं उनको स्पाइरिलिया कहते हैं। अब यूकैरियोट्स को देखते हैं। यूकैरियोट्स दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है। इनमें सेल वॉल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ प्रोटिस्टेंट्स में लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला या सिलिया हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है और हेटरोट्रॉफिक होता है। दोच व्हिच आर ऑटोट्रॉफिक उनमें फोटोसिंथेसिस होता है और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्टा आर यूग्लिना, पारामीशियम एंड अमीबा। जो मल्टीसेलुलर लिविंग बीइंग्स हैं उनको तीन किंगडम में रखा गया है, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमलिया। किंगडम फंजाई का जो सैलियंट फीचर्स है, नंबर वन इज सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और सेल वॉल काइटिन का बना होता है। ऑलमोस्ट ऑल द फंजाई दे आर मल्टीसेलुलर, और ईस्ट एक्सेप्शन है क्योंकि ईस्ट यूनिसेलुलर है। बाकी जो फंजाई होते हैं वो फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उन फिलामेंट को माइसीलियम बोलते हैं। फंजाई भी ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, दे कैन बी सेप्रोफाइट
और पैरासाइट। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो सकता है या एसेक्सुअल हो सकता है। एग्जाम्पल है एगेरिकस, जिसको कॉमन लैंग्वेज मशरूम कहते हैं, ईस्ट, और राइजोपस, राइजोपस ब्रेड मोल्ड को कहते हैं। किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पर सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। कुछ सेल में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस होता है। ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉप्स और फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल। प्लांट की एक खासियत होती है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जिसमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड जेनरेशन जो होता है लाइफ साइकिल में, एक के बाद एक आता है। किसी प्लांट के ग्रुप में हो सकता है कि हैप्लॉयड जेनरेशन की लेंथ ज़्यादा होती है, लेंथ मीन्स उम्र, और किसी ग्रुप ऑफ प्लांट में डिप्लॉयड जेनरेशन की उम्र ज़्यादा हो सकती है। किंगडम एनिमलिया, एनिमल किंगडम में जो लिविंग बीइंग्स आते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता है। दे आर हेटरोट्रॉफिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें होता है। होलोजोइक का मतलब होता है कि डाइजेशन जो होता है वो इंजेशन के बाद होता है, यानी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। पहले खाना खाते हैं, फिर बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है फूड का। इनमें डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पाए जाते हैं। जैसे किसी में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिर्फ सेल ही होंगे। कुछ एनिमल्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, कुछ एनिमल्स में ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स और अदर मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, उनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। यहां पर कुछ एग्जाम्पल हैं हाथी, स्नेल एंड फ्रॉग। लेट अस रिकैपिचुलेट, आई टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय रॉबर्ट व्हिटेकर। उसके बाद मैंने जो डिफरेंट किंगडम हैं उनके बारे में बताया, और क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है उसके बारे में बताया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।